गया तजुर्बा। गुरु हर वक्त तुम्हारे साथ रहता है, ये तजुर्बा मुझको पहले नहीं था। दाता लिखा करते थे तो कीड़ा गुरु को तेरे पास, तेरे तन में, तेरे मन में, तेरे श्वासों श्वास, गुरु ने काशी, गुरु ने मथुरा, गुरु ने विश्वराज, खूब अपने हृदय में कर अज्ञान का नाश को किया, समझ नहीं आती। तो अब मुझको तजुर्बा हो गया कि जो लोग दूसरे मुल्कों में या यहाँ रहते हैं, जब वो प्रेम से गुरु स्वरूप बनाते हैं उनके काम हो जाते हैं। तो मुझको ये यकीन हो गया कि वो गुरु जो है वो हर वक्त हर इंसान के अंदर रहता है। सिर्फ गलती ये है कि हम लोग विश्वास नहीं करते। तो जो बेचारे देसी बेचारे सीधी सादी औरतें या गांव के आदमी दुखों से मारे हुए, उनको तो ये ऊंची बातें जो मैं कहता हूँ या पीले मोबाइल कहीं या जो प्रिंसिपल साहब ने कहीं, वो तो बेचारे सब नहीं करते। तो तुम लोगों को ये एक बात बता देता हूँ कि अपने अंतर में विश्वास और श्रद्धा से एक रूप बनाकर अपने आप को उसके सपोर्ट किया करो। तुम देखोगे कि तुम्हारे दुनिया की तमाम तकलीफें तुम्हारी मदद हर तरीके से होती रहती है। ये नहीं कि मैं करता हूँ ना, ये बात नहीं। ऐसा कहने का आज तक दस्तूर नहीं रहा। ऐसा कहने से मैं नुकसान करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं गलती खा रहा हूँ, मगर अब वक्त आ गया। अब देखो ना, बाबा सावन सिंह का टोला छूटा जो उसके सत्संगी थे, वो बेचारे भागते फिरे। कोई बाबा जगत सिंह के पास गया, कोई संत कृपाल सिंह के पास आया। अब संत कृपाल सिंह का टोला छूटा, वो सत्संगी बेचारे घबराए हुए। मेरे पास किसी गई होती है आदमी, वो घबराए हुए किधर जाएं? वो क्यों घबराए हुए हैं? तो उनको ये नहीं बताया गया कि गुरु असल में है क्या। गुरु तुम्हारा प्रेम है, तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारी श्रद्धा है। तो जो आदमी बाहर से गांव से आए हैं, या जो आदमी कई दो चार आदमी संत कृपाल सिंह के थे, वो मुझे मिले थे, तो मैं उनको कहता हूँ कि गुरु नहीं मरता। गुरु अगर अमर और अविनाशी है, ना वो जन्मता है ना वो मरता है। वो तुम्हारी हर वक्त तुम्हारी पास रहता है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हम सब गुरु में रहते हैं। जितना मछली पानी में रहती है, वो तो बेचारी पागलों को फिरती है पानी कहाँ। ऐसे ही हम गलती में, तो बच्चों दोस्तों बहनों भाइयों, जो तुम देहात के आदमी बाहर से आई हो, तुमको मैं यकीन कराता हूँ कि तुम अपने अंतर में सत्य से प्रेम और अपने अंतर में ध्यान किया करो। उसका नतीजा ये होगा, तुम्हारे दुख भी जाएंगे, तुम्हारी मुसीबतें भी जाएंगी, तुमको आराम भी मिलेगा, तुमको शांति भी मिलेगी। अगला जो मार्ग है रूहानियत का, वो आप लोगों के लिए नहीं है। नानक कोटन में को नारायण जिन की। तो आज मैंने आप लोग को बेचारे आए थे, हमने तो आप आसमान पर चढ़ के बोला, वो तो बेचारे देहात के आए हुए थे। उनको बेचारे वो क्या समझेंगे आपकी बात को, या जो सुबह मैंने बोला या पूरी पहले बोला, उनको क्या समझ। तो उनके लिए ये है, सबको राधा स्वामी, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी सहाय। सत्संग सलवान स्कूल दिल्ली में तारीख 25/10/74 को प्रातः के समय परमदयाल जी के प्रवचन, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी सहाय। दो सवालों का जवाब देना। पहला सवाल यह है कि जिसने सवाल किया है वो खाली हाथ आया मेरे पास। पहला सवाल यह है कि जिसने सवाल किया वो मेरे पास एम्प्टी हैंड आया। ऐसे सवालों को जवाब अगर कोई दे भी दे, दूसरे को फायदा नहीं पहुंचता। मैं फिरोजपुर में यूडीसी था,
था दूसरी ब्रांच का कैप्टन दिसाई, क्योंकि मेरे ख्याल ऐसे थे तो कैप्टन दिसाई ने जरूरी को बोला कि हुकुम चंद को मेरे पास भेज दो। तो मैं गया, मैं एक्स मिलिट्री मैन हूँ, कुर्सी पर बैठा है कैप्टन, मैंने सैल्यूट मारा, उसने मुझसे परमार्थ का सवाल कर दिया, मैंने फिर सैल्यूट मारा, मैंने कहा आगे यूजी जी भगीत चंद बोल रहा था, भगीत चंद बोल रहा है, तुमको किसने ये अकल दी कि तुम तो कुर्सी पर बैठे हुए हो, मैं स्टैंड एट ईज हुआ हुआ हूँ, मुझसे सवाल करके हो परमार्थ का, ऐसा कर दिया। फिर मैंने कहा यू आर दिस साइलेंट, मैंने उसको बोला तुम बेईमान हो, बदजानत हो, ये जो 30 रुपए रोज तुम लेते हो मैं 10 रुपए जोड़ लेता हूँ, ये गवर्नमेंट का पीरियड है, तुम्हारा या मेरा कोई हक नहीं है कि अपने दिमाग को सिवाय गवर्नमेंट काम के अपने प्राइवेट काम में इस्तेमाल करो। सवाल करने को सब कर देते हैं, काम मैं उसके सवाल का जवाब देता हूँ, एक तो मैं भूल गया, वो कहता है क्या कोई महात्मा या संत किसी की जीन को बदल सकता है, किसी की जिंदगी को बदल सकता है, ये एक सवाल है। हाँ और नहीं, हाँ और नहीं, हाँ क्यों कहे, मेरे पास किताबी इलम नहीं है, मैं जब 1905 में दुखी होकर संसार से 6 महीने मांस खाया, 3 दफा रम पी, 1 दफा वैश्या के पास गया, जिस साल तांबे का पुजार आया 1904 का, जब पापी अपने आप को समझने लगा तो रोने लगा कि रब मिल जाए, राम मिल जाए, तो जब पहली दफा दादा दा के पास गया हूँ तो उन्होंने मुझे कहा फकीर तुम दुनिया में फकीरों में चांद बनोगे, महसूस करता हूँ इस वक्त कि मैंने इस जिंदगी के फकीरी है क्या, जिंदगी के राज को जानना ही फकीरी है, फकीरी क्या है कि हम हैं कौन, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाते हैं, इस ज्ञान का नाम जिसको ज्ञान है उसी का नाम ब्रह्म ज्ञानी है, उसी का नाम फकीर है, उसी का नाम संत है, उसी का नाम महापुरुष। तो मैं आज महसूस करता हूँ कि जो कुछ उनके लफ्ज थे वो ठीक नहीं। एक मेरे छोटे भाई राय साहब सुंदरनाथ 6वीं-7वीं में पढ़ते थे, उनको ले गया, उनका नाम था ठेरूमल, दादा के दरबार में ले गया तो पूछते तेरा क्या नाम है, अभी ठेरूमल, कहते हैं कैसा खराब नाम रखा है, मैं कह जी मेरे पास जितने बहन भाई मर गए, मेरी मासी ने जब जमिया मिट्टी कट्ठी करके रख दिया तो ये बच जाए, मैं कह हजूर बदल दें, दूसरे दिन उन्होंने उसका नाम रखा सुर इंद्रनाथ, उसको बताया देवता देवताओं का राजा तो उसका भी नाथ है, मुझे कहने लगे कुर्सी पर बैठा दो, हम सामने अदब से बोलते बैठते नहीं, कहने लगे नहीं द बॉय हैज कम फॉर चेयर एंड ही विल, और वो हुआ वो राय साहब हो गया 2500 रुपए तनख्वाह लेते थे। ये तो उनका संस्कार था, मेरा एक भतीजा था राय साहब का लड़का शिवेंद्र उसका नाम है, तो दादा था गिदड़ बाहर में उसको पकड़ के ले गया, वो नाटी बहुत था, मार्शल पेट का आदमी, अब भी यहां कहीं सुनता होगा मेरी बात, मैंने कहा महाराज ये बहुत तंग करता है मुझे, शरारत में बहुत करता है, अच्छा बैठ जाओ, उसको किताब दे दी, अब उसका नाम लिख दिया, कहने के लिखते हो अपना नाम सुरेंद्रनाथ 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 लिखते रहो अपना नाम, घंटा गुजर गया, मेरी औरत ने मुझे कहा कि लड़के ने रोटी नहीं खाई उसको रोटी तो खिला दो, तो मैं आया तो मैंने कहा महाराज ने रोटी नहीं खाई,
तो मुझे कहते हैं बेवकूफ, रात को कहता है इसको कुछ बना दो, अच्छा ले जाओ मिर्ची में भेज देना, ये कर्नल हो जाएगा। हमें भी बड़ा चाह हुआ, मिर्ची में दूर गया, जब गदर हुआ वहां दो साल की उनकी ट्रीटमेंट हो गई, मार्क्सिस्ट स्पिरिट का था ना सामने आ गया। अब मैं क्या कहूं कि किसी महात्मा का संस्कार जरूर काम करता है, अगर करता है तो शिवेंद्र क्यों ना करना हो जाता। ये सवाल है पूछ रहा था, मैं रिसर्चर हूं, मैं ब्लाइंड फेस का आदमी नहीं हूं, मेरे शरीर में क्या आया है कि ये फिक्स विश्वास है, अगर किसी का विश्वास कहीं बैठ जाए, रेसिपेंट हो जाए, तो महात्मा के वचन भी पूरे होते हैं, अगर रेसिपेंट नहीं है तो नहीं होते। ये मेरी समझ है। मेरे पास केस आए, एक अर्थ मेरे पास आई 50 साल की केस मोती राय, उसको मावारी नहीं आती, मुझे पता होता तो मैं प्रसाद ना देता, उसका विश्वास बैठ गया, मैं गया इंदौर, वो प्रसाद तो जिस डॉक्टर ने उसको कहा था तेरे औलाद नहीं होगी, उसका फेस बताता है, वो प्रसाद लेके गई, कहती है डॉक्टर को तू कहता है मेरे औलाद नहीं होगी, ये बाबा से प्रसाद लाई हूँ मेरे बच्चा होगा। उसके लड़का हुआ एक, उसका नाम मैंने श्री भगवान रखा हुआ। तो सरदार साहब ने मुझे सवाल दिया, ऐसे सवाल बड़ी दीनता से, बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रेम से करने हैं। जो शख्स दीनता श्रद्धा विश्वास नहीं रखता उसको कुछ नहीं। तो मैंने कल सत्संग शुरू किया था श्री इमामिया की मौत, संत कृपाल सिंह की मौत, मेरे भाई की मौत के ऊपर ख्याल आया था, तुम्हारे भी मरते हैं, आदमी कहां से आता है कहां जाता है, इस पर मैंने सवाल किया था। तो कल आरती पड़ी गई थी परो बंदनम के हुक्म के मुताबिक इस संसार में संत सदगुरु वक्त कहकर प्रकट किया है। जब मैं ऐसे लफ्ज कहता हूं, मैं अपनी आत्मा से पूछता हूं, बेहया क्या तू संत सदगुरु है, ये दौर है मैं अपनी आत्मा से करता हूं। सदगुरु नाम, सदगुरु को कोई सफात का पैर नहीं लगा हुआ होता, उसके सिर पर सींग नहीं होते, सद्गुरु नाम है सच्चे ज्ञान का। जो सच्चा ज्ञान मैंने अनुभव किया अपनी जिंदगी में, दाता के हुक्म के मुताबिक कि फकीर चोला छोड़ने से पहले तालीम को बदल जाना, मैंने कह दिया, दावा मैं नहीं करता कि जो मेरा सत ज्ञान है यही थी, क्योंकि मैं सोल्जर हूं, कमांडर इन चीफ का मुझे हुक्म था ये काम कर जाना, मैंने कर लिया, ठीक किया गलत किया इसका मुझे कोई अफसोस नहीं। अगर मैं गलत हूं तो कुछ मैंने काम किया है जिंदगी में 36 साल, अगर मैं गलत हूं तो इसका मुजरम या दाता ज्ञान है या बाबा सामंत सिंह। दाता दयाल ने मुझे क्यों कहा काम करने के लिए, बाबा सावंत सिंह ने मुझे क्यों कहा निर्भय होकर काम कर जाओ, मेरी नियत था।
अगर मेरी ये खराब होती मैं पर्दा रखता हूँ, मैं आज सच कहता हूँ लाखों करोड़ों रुपए का मालिक होता। दूसरा, मेरा रूप लोगों के अंदर जाकर प्रकट होकर काम करता है। मैं जितना मर्जी चाहे रुपया कमा के तुम लोगों से ले जाता। तो जो ज्ञान मुझको, हम कहाँ कौन है, कहाँ से आए हैं, उसका मैं बताता हूँ। कबीर की जुबानी पढ़ो सब। उठते कोई नया जाते पूछू जाए, इतने सब कोई जाता है, भार लदाए लदाए। कबीर कहता है और ठीक कहता है। तो उधर से कोई नहीं आया जो हमको बताए कि हमारे साथ क्या दूरी। कई आदमी मर जाते, उनकी शक्ल दूसरों के अंदर प्रकट होती है, वो कुछ इनको कहते हैं। लोग कहते हैं कि वो मरा हुआ आया, उसने कह दिया। हम भी यकीन करते थे, मगर जो ज्ञान मुझको हुआ उसके आधार पर मैं कहता हूँ। जब संत कृपाल सिंह का चोला मेरा छूटा तो मेरे यहाँ एक वेद व्यास जोशी रहता। चौथे दिन सुबह जोशी ने मुझे आका, बाबा जी रात को संत कृपाल सिंह साधु बना हुआ कमंडल लिया हुआ मेरे पास आया। मुझे कहता है मैंने बड़ा काम किया, मगर ये जो मेरी जिंदगी है प्यासी, ये अच्छी है, मैं इसमें खुश हूं। तो फिर वो कहने लगा कि संत कृपाल सिंह ने मेरे यहाँ हाथ रखा यहाँ और मेरे अंदर प्रकाश करा दिया। छुटने की बात कर रहा है। अब मैं मान लेता कि संत कृपाल सिंह आया उसके अंदर। अरे जब मैं जिंदा बैठा हुआ किसी के अंदर नहीं जाता, मैं कैसे मान लू कि संत कृपाल सिंह आया। मैंने अपने आप को संत सदगुरु कहा है। मैं संत सच्चा ज्ञान संसार को अपनी अनुभव के आधार पर देना चाहता हूं। दादा दयाल 10-12 साल हो गए मुझको दृश्य में आए। कुछ जादू लूटी थी उनके साथ सुंदर राव और नंदू थे। मेरी किताबें उनके हाथ में थी। मुझे कहते हैं हजूर 300 रुपया लाओ फर। मैंने चंक खोला, 3 नोट इनको दे दिए। कहते हैं मेरा तेरा वादा था तो मैं कब जाऊंगा, जब तुम मंदिर पर पहुंच जाओ। अब मैं जाता हूं। वो यूं बैठ गए जिसको आग लगी, ऊपर निकला छोला पीछे राख रह गए। मैं रोने लगा दादा को, छोड़ा क्या था तुम दादा दयाल से। अगर उस दृश्य के बाद फिर दादा दयाल मुझको ना आते, उस दृश्य के बाद फिर दादा, अरे क्या हो गया, डरता नहीं। अच्छा, अगर उसके बाद फिर दादा दयाल मुझको ना आते तो मैं मान लेता कि वो दादा दयाल से। ये है क्या खेल, जिस जिस किस्म के संस्कार ख्याल भाव इंसान के सब कॉन्शियस माइंड में होते हैं, चित्रगुप्त में होते हैं, उस किस्म के ख्याल इंसान के दिमाग के अंदर सुखने में या मरते समय उसको आते हैं।
मैं चाहता हूँ जो मौजूदा गद्दी पर और महात्मा अगर मैं व्यर्थ हूँ तो अपनी जिंदगी के तजर्बे की बिना पर मेरा खंडन करें। किताबों के लिखे हुए बातों को मैं नहीं मानता। हर शख्स ने किताब किसी मकसद को लेकर रखी, उसका कोई भय था। तो कबीर कहता है पड़ोसे को उसके उससे कोई क्या है? वो हमारी वासनाएं हैं, हमारी आशाएं हैं, हमारे तलकात हैं, हमारी डिजायर है। तो जिस किस्म की डिजायर को लेकर के इंसान मरता है उसके अंदर होती है, उन डिजायर के मुताबिक उसका जो सेंस है उनमें खेलता रहता है। ये है हमारा भाग। इसी वास्ते अगर इन महात्माओं ने जिन्होंने पर्दा रख करके अपना मान लिया, हाँ हम तुम्हारे अंदर गए, हमने तुमको पुत्र दे दिया, हमने तुमको दवाई बता दी, तो वो अपने साथ कपट का धोखे का ले जा रहे हैं भार। वो बच नहीं सकते अपने कुकर्म से। मेरे पास तुम लोग आते हो, मैं आप लोगों के फिट नहीं सत्संग कराने का। कितने आज किसी को कोई दुख है, किसी को हो तो दुनिया के झगड़ों में फंसा हुआ हूँ। मैं आया हूँ सिर्फ हंसों के लिए, जिनके जवाब हैं, जैसे प्रिंसिपल साहब हैं या और एजुकेटेड आदमी जिनको मन कुछ सोच सकता है, उनके लिए मैं संसार में आया हूं। तो बार क्या है? जैसी वासना वैसी हम। अब इस वासना से रहित होने के लिए तरीका क्या है? ताकि हमको अपने असली घर का पता लग जाए। आगे बोलो क्या कहते हैं। कहते हैं उसके सदगुरु आया। कहां से आया ये तो कबीर को पता होगा, मुझे नहीं पता। मैंने अपना जीवन सारा अठासीवां चढ़ गया, खोज में खो दिया। मैं आप सोचता हूं कहां से आया। जहां से मैं आया उसका पता दाता दयाल की दया से, ऐ सत्संगियों, ऐ मुझे गुरु मानने वालों, ऐ मेरा ध्यान करने वालों, तुम्हारी दया से मुझको पता लगा तो मैं कहां से आया। सिर्फ इस एक ख्याल से कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता, मेरी जिंदगी का सबका बदल गया, दिमाग बदल गया, शरीर का खून बदल गया, सुनीत हो गई। यहां एक गणेश नामी आया हुआ है मध्य प्रदेश, उसने मुझको लिखा कि बाबा जी मैं मचान पर बैठा हुआ अभ्यास में था, मैं क्या देखता हूं 6-7 मील चौड़ा एक गोल चांद है, उसमें से देवता निकल रहे हैं और उन देवताओं की सबको चीरता हुआ मैं आया और मैंने उसका बाजू पकड़ा। कल तो सावित्री के दर्शन कराने,
आप मुझको ले गए, शहर भी नूर का, आदमी भी नूर के, दरख्त भी नूर का, आगे दरिया था, दरिया में भी पानी भी नूर का। वहां आपने मुझे नहलाया और कहा कि अभी वक्त तुम्हारा आगे जाने का नहीं है। अब उसने मुझको लिखा, गुदानी भी मेरा हर बैसाखी पर करा करे उसका, वो बेचारे चार पांच आदमी आते हैं लंगर का इंतजाम करते। अब अगर मैं गणेश को अपना सदगुरु ना मानूं तो किसको मानूं? मैं तो गया नहीं उसके अंदर, मुझे तो पता नहीं गणेश कब है था कौन, अब तो मैं जानता हूं। तो मुझे यकीन हो गया कि मैं उसके अंतर में जो देवता नजर आए, जो बाबा फकीर नजर आया, या जो जस नजर आए, जो कुछ उन्होंने देखा वो था क्या, उसी को शास्त्र कहते हैं माया, इल्यूजन। प्रिंसिपल साहब मैं शासन दे रहा हूं, वो माया। वो सबसे किस्म के तजुर्बात ये कादरी साहब कहते हैं, ये यू में मुझे कई दफा देखते हैं, मैं तो जाता नहीं। तो मैं कादरी बाबा को अपना मुर्शिद मानता, मैं इनकी सच्चे दिल के तुम सत्संगों की वैसी इज्जत करता हूं जैसे मैं अपने दादा दादी किया करता था। ये मेरी यही ड्यूटी है और तुम्हारी यही ड्यूटी है कि तुम मेरी इज्जत करो। तुम देखो बाप होता है, उसके लड़के लड़की आ जाते हैं, क्या फिर वो अपने लड़के लड़की के सामने किसी दोस्त यार के साथ गंदा मजाक करता है? तुम कर सकते हो? शर्माते हो अपनी लड़के से? इसका क्या मतलब है कि तुम अपनी औलाद की इज्जत करते हो? लड़के बाप के सामने नाजायज हरकत नहीं करते। ये चित्रा राजमन मजदूर छाया हुआ है, मेरे इशारे को समझो। तो जब से ये मुझे ख्याल आया तो अब मैं क्या करता हूं? मैं सूली पर चढ़ता हूं। सूली पर पढ़ो आगे क्या लिखते हैं। अब हम चले अमरपुरी टूरे टूरे तार, ये सूली क्या है? जब सूली पर इंसान चढ़ जाता है उसका कोई सहारा नहीं है, पांव के नीचे कोई सहारा नहीं, हाथों को कोई सहारा नहीं, लटक जाता है। तो जब तक इंसान साधन करता रहता है, सिमरन का सहारा लेता है सूली नहीं है, रूप का सहारा करता है सूली नहीं है, प्रकाश का सहारा पकड़ता है सूली नहीं है, कबर का गारा पकड़ता है सूली नहीं है। उनकी परिता मैं आप लोगों को सत्संग करा रहा हूं। तो जब मैं अब अपने अंदर जाता हूं, हर वक्त तो मेरी हालत नहीं रहती, सच्ची बात जानतों में गिरता रहता हूं, जब कभी साधन में जाता हूं तो रूप रंगों में झगड़ा तो मेरा तुम लोगों ने खत्म कर दिया ना। मैं चूंकि सजाई का मुतराशी था, दाता ने जब मैं उनको संत किया करता था, जब गुरु पदवी 1918 में मुझे दी तो उन्होंने मुझे कहा था, बेवकूफ कहा करते हो बाबरे, तुझ में 99 ऐप है, एक सजाई पसंद हो, मेरा हुक्म मानो, तुमको सच्चे राधा स्वामी व्यास के दर्शन सत्संगों के रूप में हो जाएंगे। अब तुम लोगों की दया से मुझे राधा स्वामी ज्ञान क्या निकला? सत ज्ञान। मैं कौन हूं? जब मैं अंदर जाता हूं प्रकाश मेरे अंदर होता है, शब्द को सुनता, मैं उस चीज की तलाश करता हूं जो शब्द में रहती हुई शब्द को सुनती है, प्रकाश में रहती हुई प्रकाश को देखती है। मैं दरअसल में वो हूं
मगर उसकी मुझे था नहीं। इस वास्ते मैं कौन हूं? मैं अयक हूं, मैं अगम हूं, मैं अनाम हूं। कहां से आया हूं? उस अवस्था में आया हूं जहां न तन है, न मन है, न रूप है, न रंग है, न प्रकाश है और न शब्द है। अनुभव है, वहां मुझसे ठहर नहीं जाता। सच्ची बात, आया जिंदगी में ठहर सकूंगा कि नहीं ठहर सकूंगा, यही मुझे पता नहीं। मेरी जिंदगी का क्या अंजाम होगा, इसी बात से मैं कहता हूं कि मैं अनामी था। मैं ही नहीं, तुम्हारा सबका आर वही है, अदम से जानोगे हस्ती तराशे। वो जो अदम है, किसी ने उसको अदम कह दिया, किसी ने उसको अनाम कह दिया, किसी ने उसको आकार कह दिया, किसी ने उसको परम तत्व कह दिया, किसी ने उसको जात कह दिया। वो क्या है क्या नहीं, किसी को कोई पता नहीं। न कबीर को लगा, न किसी मधु गाय, वो है क्या है? है, 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 इसमें कोई शक नहीं। वो क्या है इसके कहने का किसी को हक? तो अब मैं सुनी करता रहता, अब मैं सोचता हूं, अच्छा भाई अगर सुनी कह क्या चला गया, मैं अपना समा ध्यान करता हूं, तो कुछ कह सकता है? किसी का तो नहीं कर सकता, अपनी तकलीफ को दूर कर लिया है ना। फिर मैं कई बार सोचा तो शायद तुम मेरे कुछ कर सकते हो। कैसे मान लू राजा स्वामी यार खुद दो साल बीमार रहे, वाणी में लिखा ऐसी बीमारी अपने अंदर पैदा करनी कि डॉक्टर और हकीम सब हैरान थे, किसी को समझ नहीं आती थी। दो साल के बाद आरती करवा कर अपने निजी धाम को चले। कौन ऐसा आदमी है जो अपने आप को बीमार करता है? कहां लिखा हुआ है? ये रोचे कर ध्यान बातें चेले गुरुओं के पर नहीं होते, चेले उनको पर लगा के आसमान पर उड़ा देते। पीरा नमे पुरानन के पीरा नमे पुरन, पीरों के पर नहीं होते, मुरीद जो है ये पर लगा के उनको आसमान पर उड़ा देते। कबीर साहब दत्ता, तुमको क्या कहूं, हर मधु वाले ने, हर पंथ वाले ने ऐसी ऐसी रोचे पर ध्यान बातें बताएं कि हम व्यक्तियों को अपने जान में बताए। कहते हैं कबीर साहब जे के साथ चले गए, हम भी मानते थे। पहली बात तो ये है कि जितने इस जमाने में मौजूदा गुरु हैं, क्या ये के साथ गए? ऐसी तकलीफें उठा के गए जिसका कोई हिसाब नहीं। एक किताब मैंने पढ़ी है, एक पर्शियन ने लिखी है, कबीर की लाइफ, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ हुआ है। जब कबीर साहब कांशी से मगर गए, जो लोगों ने कहा शरीर छोड़ने आए तो कांशी में दो जो कांशी मगर मरी है कबीर एक काम नहीं हो रहा, तो ये मैं मगर मर के दोनों से जानूंगा तो मेरे घबर थोड़ी हमारे क्यों है आप वो सारे दस साल चालीस साल में अभ्यास क्यों करें? और अभ्यास किसे कहते हैं? अभ्यास है अभी के मैंने पहले और आज के मैंने होना। जो चीज हमारे पास पहले ही मौजूद है उसका अनुभव करना अभ्यास है। जो चीज हमारे पास पहले ही मौजूद है उसका अनुभव करना अभ्यास है। हम क्यों अभ्यास करें? मैं अपने आत्मा से पूछता हूं तुमने क्यों अभ्यास किया? देखो तुम सारा दिन काम करते हो, थक जाते हो, शाम को क्या चाहते हो? सोना।
नींद चाहती हो ना, और तो कुछ नहीं चाहते। नींद में क्या होता है, वो जो तुम्हारे मन के जो ख्यालात हैं जिनमें तुम फंसे रहे हो उनको भूलना चाहते। अभ्यास की कुदरती कुदरती हमारे दिल के अंतर है, जिस तरह नींद के लिए हम कुदरती मजबूर हैं, नींद में क्या होता है हम भूल जाते हैं। इस तरह से हम इस दुनिया को भूल कर किसी ऐसी जगह जाना चाहते हैं जो हमारा आड़ है, हमारा अपना रूप। ये एक कुदरती जज्बा है, मगर किन में आएगा? रात को नींद की तरफ कौन जाएगा जो दिन में थका हुआ है? तो जिस वक्त हमारी आत्मा दुनिया का चक्कर लगाती है, दुखी हो जाती है, अशांत हो जाती है, उस वक्त हमारे अंदर हर एक आदमी के अंदर कुदरती प्रेरणा होती है कि मैं वहां जाऊं जहां मैं सब कुछ भूल जाऊं। कई जज्बे के अंदर आकर फल पीने लग जाते, कई शराब पीने लग जाते, कई अफीम खाने लग जाते। तो हम अभ्यास इसलिए करते हैं, हमारे अंदर जज्बा है कि जो हमारा एनवायरमेंट है हम इसको भूल जाए। क्या मैंने गलत कहा ना? सोचो मेरी बात, क्या मैंने कहा? ये कुदरती क्रेविंग है आने की, अपनी दुनिया को भूल जाने की और अपने आप में ठहर जाने की। अभ्यास में और गहरी नींद में ये फर्क है, गहरी नींद को हमको अपने आप की होश नहीं होती, अभ्यास में जाने वाला अपने आप में जतन रहता है, बस इतना ही फर्क है। आपको दो शब्दों में बहुत ही एक। अब ये है, हम अभ्यास करना चाहते हैं, हमारा मन नहीं लगता, मन उनका लगा करता है जिनको या तो लगन हो या डर हो। लोहार सेंसी को पकड़ के खुश पकड़ लेता है, छानी आगे होती है वो हथौड़ा मारता है, वो खुद के क्यों पकड़ेगा? वो जानता है कि अगर मैंने अपना हाथ ढीला किया तो छानी फर्क करके मेरे हाथ को लगेगी, मेरे हाथ को लगनी कर दिया। तो जिस आदमी को ये डर नहीं है कि इस दुनिया में दुख है, भय नहीं है, वो अभ्यास में कामयाब नहीं हो सकता। या जिसको सच्ची लगन है तो दो मार्ग है, एक प्रेम का मार्ग है, एक वैराग का मार्ग है। हम लोग जितने अभ्यास करते हैं हम कामयाब क्यों नहीं होते? हमारा वक्त नहीं आया हुआ, हम हिरसी हैं, हम हवसी हैं। लोगों को देख देख करके हम चाहते हैं, किताबें पढ़ी हुई हैं, इस बात पर तो इस अभ्यास में जब आदमी कहता है उस सर द्वारा निकल, जब हम उस रास्ते में जाना चाहते हैं, किस रास्ते में? जो हमारा आध घर है, जहां हम पहले अपने आप में अपने घर में थे, जहां बाप का समझे हमारा कोई बाप है ना, हम समझे हमारा कोई खुदा है ना, हम समझे हम किसी को बंदे हैं, वो एक अवसर है। उस तक पहुंचने के लिए दादा दार के शब्द की सुनाता रस्ते हैं, क्या क्या रस्ते हैं सुना? प्रेम की सड़के देखी यार, प्रेम की सड़के देखी यार, पहली सड़क सुनहरी
सड़क को कौन देख सकता है? जो दुनिया में काम करता हुआ थक गया हो। ये मार्ग आम दुनिया के लिए नहीं है, ये मार्ग उनके लिए है विषयों से जो हुए उदासा, पर मार्ग की गामन आशा। तान संतान पीते ही जाके खोज फिर साथ हुए जागे। जब तक ये हालत किसी आदमी की नहीं आई, उसको इस तरह लगाना उसकी जिंदगी को बर्बाद करना है। पहली तालीम संतों की यह है, दुनिया में काम करो, बढ़ो, राइट ब्रह्म दाता कहा करते, पहले बढ़ो। जो शख्स दुनिया में कामयाब नहीं, दुनियावी जिंदगी में, वो रूहानी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। मैंने सुबह कहा था मैं अभ्यास के मुताबिक कहूंगा, शर्त बताकर। हम लोग नाम ले लेते हमारे देश से दुनिया को जाती नहीं। मेरे पास कितनी औरतें आती हैं, कोई कहता पोता है नहीं, कोई कहता पोता है नहीं। सबसे पहला दुख तो रोटी का है, प्रागंदा रोटी प्रागंदा दिल। जिसकी रोटी का ठिकाना नहीं वो इस तरफ नहीं आ सकता। आज मैं चबड़ 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 बातें करता हूं इसलिए कि खाने का फिक्र नहीं है। अगर फिक्र होता फिर मैं इस तरह से बोलता तो मैं अपनी बहादुरी समझता, 250 रुपया लड़का भेज देता, 200 रुपया कटनी वाले दे देते, 40 रुपया दुर्गादास दे देता, 50 रुपये एक ओम प्रकाश है, 500 रुपया घर में आ जाता, खर्च चलता। इस वास्ते ना दुखों बना हुआ हूं। जिनके पेट में रोटी नहीं है वो क्या अभ्यास करेंगे बता मुझे। मैयर मैं बात सुलाने कह रहा हूं। अरे उनको छोड़ो, हम महात्मा क्या करते हैं? पैसे के लिए भी फिरते हैं ना, मैं काहे को फिरता हूं? मंदिर के लिए पैसे के लिए फिरता हूं ना। दाता दाल बाहर फिरा करते थे, कभी देहरादून कभी जयलम कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। तो नंदू सिंह मेरे को मिला, मैंने कहा नंदू सिंह एक बात कहूं कि हाँ दाता दाल बाहर क्यों फिरते थे? लोगों को चिताने के लिए? बोला नहीं। मैं क्या धाम के लिए पैसा इकट्ठा करूंगा? ये सुरानी सच्ची बात है। हम लोग अमेरिका जाते हैं लोगों को चिताने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के। ये संत लोग बाहर दौरा करते हैं किस लिए? पैसा इकट्ठा करने। मैं बाहर खटे खाता हूं किस लिए? मंदिर के लिए, पैसा इकट्ठा करने। सांची बात कबीरा कहे सबके मन से उतरे रहे, बताओ मुझे। इस वास्ते सबसे पहला मिशन जो है वो ये है कि हर शख्स को अपनी कमाई पहले करनी चाहिए राम नाम पीछे। राम नाम पीछे मेरे छोटे भाई राय साहब 8-9 वर्ष की उम्र में जब सर 5-7 में पढ़ता था नाम भी आया। दाता ने कहा नाम नहीं जपना सुरेंद्र नाथ, क्या करना कि मैंने लाइफ मीन वर्क एंड वर्क मीन लाइफ, काम करो। पिछली उम्र में मेरी गोद में आ जाएगी, पिछली उम्र में अद्भुत हो गया, 1.5 लाख रुपया पास था। तो मन किसका लगता है अपने अंतर? जिसको पेट का फिक्र नहीं।
ये अमरी जिंदगी का सबक बता रहा हूं, प्रैक्टिकल लाइफ। मगर हम क्या करते हैं, हमारे पास होता भी है मगर हम हवस करते हैं, लालच करते। आज हजारा का 2000 आ जाए, 3000 आ जाए, 4000 आ जाए, 5000 आ जाए, 6000 आ जाए, हम इस लोभ में फंसते हैं। आप लोगों को सत्संग करा रहा हूं, नौजवान बच्चे इनको बजाए राम राम के पहले दुनिया में काम करना सिखाओ। एक्सेप्शंस अलग अलग होती हैं, वो खास खास प्रकृति होती है। तो जब इंसान को दुनिया में वैराग आ जाता है फिर उसके लिए ये प्रेम मार्ग है। उसमें चार रास्ते, ये दाता दयाल का शब्द है, मेरा नहीं, चार सड़कें हैं। किन के लिए सड़क होगी, जिनको भी पेट का सम्मान है, एक जिनको दुनिया में वैराग है वो समझते हैं कि एक दिन हमने चले जाना है, अपनी आंख बस सुना दो, उनके लिए ये मार्ग है। हम भी आज कल तुम्हारा, हम गुरुओं ने तुम लोगों को तुम्हारे कल्याण के लिए नाम नहीं दिया, अपने डेरे अपने मान अपने धाम के लिए तुमको नाम दिया है। मेरे 10,000 चेले, मेरे 50,000 चेले, ताकि हम नाम तुमको दिया, नाम अपना रोशन किया। यह आजकल का गुरुइज्म, तो मेरी बात को सोचो, अगर मैं गलत कहूं तो आपको हक है, भैया खड़े होकर मैं गलत कहता हूं। तो जब ये अधिकारी मिलता है नाम का, देखो आज दिन तक जितने संत गुजरे हैं ये दयाल थे, क्या कबीर, क्या गुरु नानक, क्या दाता दयाल, क्या स्वामी जी, मैं परम दयाल। तुम पूछोगे बुद्धि भी है यार क्या बक रहा है, मैं बक नहीं रहा, मैं सच कह रहा हूं। सबने बात को पर्दे में रखा, अधिकारी मिला उससे सेवा दी, उसकी खिदमत देखी, फिर पीछे से कान में सच्चाई बता दी और फिर कह दिया कर्मदास तो लाख दोहाई, सार भेद नहीं बाहर जाई। स्वामी जी ने कह दिया संत बिना कोई भेद न जाने पर वो तो है कहीं अलग नहीं। वो ध्यान इस वास्ते थे कि जिन्होंने उनकी सेवा की उनको तो राज बता गए, मैं परम दयाल हूं, कोई सेवा करे या ना करे, कोई मांगे या ना मांगे, मैं मुफ्त में दर्द बताता हूं, राज बताता हूं। पेट बताता कि असलियत दोस्तों ये नहीं ये, तो नाम किन को दसना चाहिए, कौन मुस्तक है, और जिनको खाने के लिए ठीक है एक, दूसरे जिनको दुनिया का तजर्बा हो गया। आज प्रिंसिपल साहब वल्लाराम ने कहा था इस बात, जब तक इंसान को ठोकर नहीं लगती, कर्म का जो चक्कर है इसका कोई हद नहीं पा सकता, जब कर्म के चक्कर से वो देखता है कि ये कर्म का जाल महाजाल है, इससे निकलना बड़ा मुश्किल है, लाओ कोई कर्म पर असूल पर चलने की कोशिश करे वो गिरेगा, लाओ कोई तलवार की धार पर चलने की कोशिश करे वो गिरेगा, मैं गिरता रहता। उस कर्म के जाल से बचने के लिए ये नामदान, हमारे ऋषियों ने देखा कि ये दौलत तो राजे ले जाएंगे, क्योंकि उनकी मन की हालत ये थी कि हर चीज मौजूद है, कोई दीदार हुई पूरी कर ली, उन्होंने ये संन्यास जारी कर दिया, ताकि उसको त्यागी बना दिया कि जो अवस्था उस राजे की हर एक चीज होती हुई को ख्वाहिश नहीं करता, ऐसे ही उस सन्यासी को ख्याल बन दिए, तब वो इस रस्ते पर नाम का अधिकारी बन जाता। तो जब ये अधिकारी बन जाता है तो उसके रस्ते में क्या आता, पढ़ो प्रेम की सड़े
जब इंसान पहले विराट हो, पेट की ख्वाहिशात की जरूरियात पूरी हो, उसके लिए तरस न हो, साथ ही उसकी सेहत अच्छी हो, ये मैं बता देता हूं आप लोगों को, जिसकी काया में नुक्स है उसका बाप भी अभ्यास नहीं कर सकता। मैं अपनी बात बताता हूं, कभी बीमार हो जाता हूं, मुझे 5-4 साल हुए बीमार हो गया, तो सेमी पैरालाइजेशन हुई मुझे। उस वक्त मुझे मालूम होता था कि तू किधर है बुद्धे, काया में सबसे पहली शर्त यह है कि उन असूलों को पैरा करो जिससे तुम्हारी सेहत ठीक रहे, और वो असूल है मानसिक और शारीरिक ब्रह्मचर्य की पालना, जीव का स्वाद न करना। हम स्वाद के वास्ते ऊट पटांग खाते रहते हैं कि नहीं, तो रोज रोज खाते रहते हैं, तो इकट्ठे होकर एक ही तो हम मलेरिया हो जाता है या कुछ और हो जाता है। ये है अभ्यास की शर्तें। जो आदमी अपनी काया का ख्याल नहीं रखता वो मूर्ख है। हाँ, अगर रियलाइजेशन हो जाए, फिर अगर काया में कोई नुक्स आ जाए, फिर इतनी तकलीफ नहीं है। कई बार मेरे दांत में दर्द होती है, मैं अपना तजर्बा बताता हूं, किताबों को लिखा वो मेरे पास नहीं है, फिर वो ज्ञान ध्यान सब भूल हो जाता है, दर्द होती है या टीका मार दिया दंड। अगर कुछ किस्म से मैं किस्म को भूल जाऊं फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन काया इस वास्ते सबसे पहली चीज जो है उन असूलों को पालन करो जो तुम्हारी सेहत को बरकरार रखी। कभी तो ताराचंद क्या कहा, मेरे पास एक दयालदास है, तो मेरे पास कभी कोई आया करता है ना बीमार, तो मैं कहता दवाई खा जाए, तो वो किसी को कहा करता था दवाई की क्या जरूरत है, आदमी प्रकाश साधन करे बीमारी चली जाती। मुझे किसी ने कहा, मैं हंस पड़ा। अब महाराज उसकी टांग में दर्द रहता है, अब उसकी टांग में दर्द रहता है, मैंने कहा दयालदास जी शब्द अभ्यासी हो, तुम्हारे शब्द ने तुम्हारी ये पीर गवा दी, नहीं मूर्ख है वो साधु वो महात्मा जो अपने जिस्म की परवाह नहीं करते और 24 घंटे साधन में लगे रहते हैं, उनका अंजाम बखार नहीं होता। काया को साधना बहुत जरूरी है। हाँ, प्रारब्ध कर्मों के अनुसार जिसकी बिगड़नी होती है बिगड़ जाती है, वहां इंसान हेल्प नहीं कर सकता। उन असूलों को पैरा करो जो तुम्हारी सेहत को ठीक रखे, और वो मैंने बता दिया असूल क्या है, मानसिक शरीर ब्रह्मचर्य, जरूरत से ज्यादा तमा लालच ये ना हो, अपनी काम करो ड्यूटी करो, और मानसिक और शरीर ब्रह्मचर्य। तो फिर जब अभ्यास करता है आदमी तो क्या होता है, पहले वो सुमरण करता है, उस मुकाम पर तुम राम राम से करो सुमरण, अल्लाह से करो सुमरण, तुम्हारी मर्जी है 5 नाम का सुमरण करो, तुम्हारी मर्जी है गजत्री का जो तुम्हारे गुरु ने बताया, ये वर्णात्मक नाम, इसका कोई सवाल नहीं। सिमरन करते करते तुमको जिस्म को भूल जाना चाहिए, ताकि तुमको जिस्म की होश न रहे। जब जिस्म की होश नहीं रहेगी फिर तुम्हारा मन क्या करेगा, खुद बहुत जिस तरह जागते हुए तुम रात को सोते हो, एक सेकंड में तुम जिस्म को भूल के सुटने के देश में चले जाते हो, इस तरह से सिमरन करते 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 आदमी जिस्म को भूल करके मन के अंदर चला जाता है। कई आदमी
जिनको गुण नहीं मिला हुआ, वो मन के चक्कर में आकर तरह तरह की शक्लें बनाते हैं और उन शक्लों से बातें करते रहते हैं और वहां आनंद लेते हैं। इसलिए स्मरण के साथ फिर ध्यान आ जाता है। ध्यान में इतनी तुम्हारी गैर वृत्ति होनी चाहिए जिस तरह संत, मैंने बोला लोहार शांति को पकड़ के खोज के रखता है, यानी पकड़ के कि हथौड़ा पड़ेगा तो हाथ मेरा छनक ना जाए। इस तरीके से जो शख्स अभ्यास करता है वो कामयाब हो सकता है। ये सूरमाओं का काम है, बहादुरों का काम है, गगन जमामा बाजिया पड़ी निशाने जो कायर भागे कुछ नहीं सूरा भागे को, ये अभ्यास करते हैं। लोग तीन दो दो घंटे अभ्यास में बैठ जाते हैं, वो तो मन के चक्कर में तरह तरह के दृश्य देखते रहते हैं। अगर सिमरन बन जाए और ध्यान बन जाए तो 10 मिनट या 5 मिनट का ध्यान सारे दिन तुमको शांति देगा। तो जब अभ्यास करने लगते हो चेतवान होकर बैठो, दुनिया के सारा सब छोड़ो, सिर्फ ये प्रेम का प्रेम की लगन। तो जब रूप बन जाएगा वहां पर तुम्हारे रोशनी होगी जिस तरह दीवे की रोशनी होगी। वो रोशनी क्या है, वो रोशनी क्या है, जिस तरह बादल की गरज, बादल ऊपर हवा कट्ठी होकर के रगड़ा खाते हैं, इस तरह तुम्हारे ख्याल व्यक्ति जो कट्ठी होकर के रगड़ा खाती है, असूल ख्वाहिशात की जो वासनाएं तुम्हारे हैं जब रगड़ा खाती हैं तो वो ज्योति की रोशनी तुम्हारे अंदर प्रवेश होती है। कईयों के कम होती है, कईयों के ज्यादा होती है, ये प्रकृति के मुताबिक। हर शख्स की प्रकृति अलहदा है, तुम्हारी अलहदा, मेरी अलहदा, हर शख्स का अभ्यास अलहदा अलहदा है। हर शख्स के हमेशा अभ्यास में एक रस नहीं रहता। जो अभ्यास करते हैं वो अपने आत्माओं से पूछे, मैं सच कह रहा हूँ झूठ कह रहा हूँ, आज के अभ्यास में कुछ और हालत है, 4 दिन के अभ्यास के बाद कोई और हालत है। तो जो आदमी इसी के लिए अभ्यास करता है वो पहल सर है। रोशनी क्यों पैदा होती है, हमारी जो दुनिया की ख्वाहिशात है, दुनिया जानते हैं दौलत की ख्वाहिश, पैसे की ख्वाहिश, पुत्र का प्रेम, ये जितने जज्बात, वो वासनाएं जो अस्थूल पदार्थ की रखती हैं, जब वो इकट्ठी होती हैं उस वक्त जो रोशनी तुम्हारे अंदर प्रकट होती है वो ज्योति की रोशनी है। तो पहली स्तर की है। जब ये दर्जा कुछ दिनों पास हो जाए, ज्योति अंदर जमने लग जाए, फिर आगे चलो। आगे क्या है, दूजी सड़क लाल रंग बाना वीर बहूटी के रंग जले तुरत अखियां भई लाली सुनी थाप मर्दन। ये उसके आगे जब सूरत जब मिट्टी इकट्ठी होती है मन के अंदर, रूप जबरदस्त प्रकट हो जाता है। तो जिस तरह मैं बैठा हुआ हूं ना, अगर मैं इस चीज को जोर से पकड़ू, ऐसे जोर लगाऊं तो मेरे मुंह में लाली आती है कि नहीं आती, क्यों आती है, कि मेरा जोर लगता है। इस तरह से जब मन अपने अंतर रूप को छोड़कर रूप में लय होता है, उसके मन को जोर लगता है, उसके जोर लगने से वो जो उसके अंदर रोशनी पैदा होती है वो लाल रंग की होती है। ये संतों का मार्ग कुदरती है, नेचुरल है। आज दिन तक जितने संत गुजरे किसी ने ये नहीं कहा कि घंटा क्यों बजता है, मृदंग क्यों बजता है, मुरली क्यों बजती है। आज दिन तक किसी ने ये आवाज नहीं खोला, बस ये कह दिया कि अंदर ज्योति होती है, होती है, मगर क्यों होती है। ये तुम्हारे ही अपने मन के जज्बात थे, जिसका जितना प्रेम जबरदस्त होगा उतनी ही लाली उसके अंदर ज्यादा आएगी।
नैयर मेरी बात बड़ी लॉजिकल है, इसको कोई काट नहीं सकता। ये नेचुरल साइंस है। जिस तरह जिस्म के अंदर जब तुम जोर लगाते हो तो देखो मैं जोर लगा रहा हूं ना तो मेरे मुंह पर लाली आ जाती है, इस तरह मन जब रूप को देखता है उसमें प्रवेश करता है प्रेम के रंग से तो उसके मन के अंदर लाली आ जाती है, उसको वो प्रकाश जो उसका अपना स्वरूप है वो लाल नजर आता है। जिस तरह सूर्य सुबह जब चढ़ता है लाल होता है, सूर्य दरअसल लाल नहीं है, वो आसमान की जो वायुमंडल है उसकी वजह से हमको सुबह और शाम को लाल नजर आता है। इसी तरह से ये जो असली चीज जो केवल सफेद रंग का प्रकाश है उसके ऊपर जिस जिस किस्म के हमारे जज्बात हैं, ख्यालात हैं, जिस किस्म के हमारे प्रेम के भाव हैं, जो हमारे ऐसा साथ हैं वासनाएं हैं, उनके मुताबिक हमारे अंदर रंग नजर आते हैं और उन्हीं के मुताबिक हमारे अंदर आवाज आती है। पहली स्टेज में कंका बजता, क्यों तुम बाहर की 5-7 तांतों इकट्ठा करो, घड़ियाल बना लो, उस पर हथौड़ा मारो, क्या आवाज आएगी। इस तरह से हमारी जितनी वासनाएं हैं संसार की जब ये इकट्ठी हो जाती हैं उनके ऊपर मन कच्छा होकर ठोके मारता है, उस वक्त जो आवाज पैदा होती है वो घंटे की होती है। अब अगर कोई ये चाहे कि सभी घंटे को सुने, नहीं, जिसकी जैसी जैसी प्रकृति है उसके मुताबिक। इस वास्ते जो मार्ग गुरु मत है, अपना अनुभव गुरु को ज्ञान करो। बार बार किताबों में लिखा अपना अनुभव सत्संगियों के साथ मत ज्ञान करो, गुरु के पास जाओ, वो मार्ग में राज है। अब एक शख्स की प्रकृति और किस्म की है, वो लाख कोशिश करता फिर जो उसको वो मंजर नजर आए पूरी तरह से नहीं आएगी, वो मंजर उसकी प्रकृति जिस किस्म की वासना उसकी मन की है उसके मुताबिक उसको नजर आएंगे। जो तुम लोग जो अभ्यास करते हैं उनको कहना चाहता हूं, वहम में मत पड़ो, वहम में मत पड़ो। बार बार कहा जाता है पूजा सदगुरु को दी तेरे भरे की कम, दुनिया पागल है, जहां संत कृपा से गुजर गए। एक शख्स को तिवारी और उसका नाम मैं भूल गया और भी बाबा जी हमने आपको संत कृपाल सिंह की जब अर्थी बन रही थी उसके पास खड़ा हुआ देखा, कोट पहना हुआ था, पजामा था, नंगा सिर था, हाथ आपके कमर पर थे, ये उसने मुझे लिखा चिट्ठी में। और मेरे साथ गुरोवर साहब है, इनका सारा गया, इनको मैंने उन्होंने कहा कि हाँ जी ऐसा वहां लोगों ने देखा बाबे को। अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ क्यों गया था, ये जिस किस्म का सजेशन और इम्प्रेशन इंसान के दिमाग पर पड़ा हुआ होता है वो शक्ल में आता है। इस तरह से जिस तरह की तुम्हारी प्रकृति और उस किस्म के दृश्य तुम्हारे अभ्यास में आएंगे, इस बात से बार बार कहा जाता है गुरु से अपना हाल खोल, सत्संगों से मत खोल। तो ये दूसरी सड़क है, पहला अनेकवाद था फिर त्रिपुटीवाद आ गया। अनेक किस्म के ख्यालात को रोककर तीन ख्यालात रह गए, एक तुम, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारे गुरु की मूर्त। जब वो इकट्ठी होगी फिर क्या होगा, क्योंकि तुम अपने अंदर मन से जिस्म से जोर लगाना और है, मन से जोर लगाना और है, आत्मा से जोर लगाना और है, स्वरूप से जोर लगाना और है। बस ये बता दे, आगे पढ़ो। तीजी सड़क नील पर्वत पर चंद्र ज्योति उजया, अमी कुंड बन नाए बाएं
जब ये त्रिपुटी वाद खत्म हो जाता है फिर द्वैतवाद हो जाता है। द्वैतवाद मिसाल जिंदगी है तुमको समझाता हूं, तुम शादी करने जाते हो नार कोरे कारे गहने हार ये लेके जाते हो, जाती हो कि नहीं जाते, बीवी को ले जाते हो, फिर ना उसे एक बरात होती है ना घोड़े होते हैं, कुछ भी नहीं होता, एक तुम होते हो तुम्हारी बीवी होती है। ऐसे ही पहले जब इंसान अपने अंदर चलता है तो अनेक बार से चलता है, जब उसका प्रेम आ जाता है तो फिर क्या हो जाता है, एक उसका प्रीतम रह जाता है और एक वो रह जाता है। वहां की जो रोशनी है वो चांद की रोशनी है, रोशनी निर्मल हो गई, पहले जर्द थी फिर लाल हुई फिर वो निर्मल होके नील भी हो गई। तुम्हारा ही आत्मा था जब वो अनेक बार में था, ख्यालात उसके बहुत थे, वो इकट्ठे हुए तो ज्योति बन गई, तुम्हारा ही सफेद रंग का प्रकाश था जब वो त्रिगुटी में आया वही लाल रंग नजर आता है, वही तुम्हारा आदमी आत्मा जब सुन में जाता है वही चंद्रमा की रोशनी हो जाता है। तुम्हारा अपने आत्मा की ही जो मुख्तलिफ शक्लें हैं, तुम्हारे अपने सर्व की सुरत की या आत्मा की कुछ कह लो वही शक्लें हैं। आगे तो जब द्वैत बार को भी छोड़ जाता है फिर वो अपने मन के निस्वरूप, मन के निस्वरूप का निस्वरूप और है, मन का निस्वरूप और है, मन का निस्वरूप है सोहम, जिससे कि तरह तरह के ख्यालात होते हैं, एक से अनेक होता रहता है। जब वो वहां जाता है तो जब वो अपनी कल्पना छोड़ जाता है, ख्यालात छोड़ जाता है, अनेक बार में त्रिपुटी वाद में द्वैत वाद को छोड़ जाता है, अन्नमय कोश प्राणमय कोश मनोमय कोश विज्ञानमय कोश को छोड़ जाता है, फिर उसका जो अपना आत्मा है वो उसको शांति कहीं मेरे बाबा जी शांति दे दो, मेरा बाप तुमको शांति दे, शांति तो तुमको मिलेगी जब तुम वहां पहुंचोगे। आज एक आदमी मेरे पास आया, वो जाना तो दीवान चंदे दाता दाल के चेले, उनका चेला था, बहुत कुछ कहा, कहता जी मैं बहुत कुछ देखता हूँ अपनी जिंदगी को बनाता हूँ फिर भी मेरे अंदर की किसी की चीज की तराश है। मैंने कहा तेरा शब्द नहीं खुला, प्रकाश नहीं खुला, नहीं तो फिर शांति कहाँ से आया भाई। अनेक वाद में शांति नहीं, तृप्ति वाद में शांति नहीं, द्वैत वाद में शांति नहीं, इसमें आनंद है, अनेक वाद में आनंद है, तृप्ति वाद में आनंद है, द्वैत वाद में आनंद है। जहां तुम एक हो जाते तुम्हारा मन, वहां आनंद नहीं है, वहां शांति। ये करनी का भेद है ना ही बुद्ध विचार, कतनी कर करनी कर है तब पावे पुरस्कार। बकवास है करनी का मजमून, ये करनी का मालिक है, लक्ष्य देने का नहीं, मैं बकवासी हूँ जो पकता रहता हूँ, क्या करूँ मेरे खोटे कर्म पीछे, मैंने कर्म किया था अपना अनुभव क्या करूँगा, मैं अपने कर्म में फंसा हूँ। ये भी मैं जानता हूं कि मेरे इस भाषण देने का कुछ फायदा नहीं, मैं जानता हूं मेरा कर्म, मेरा अपना ही प्रण था कि जो कुछ मुझको संत मत से मिलेगा मैं बता दूंगा, मैं किसी पर कोई एहसान नहीं करता, बल्कि आप लोगों का एहसान मानता हूं कि मुझे अपना कर्म काटने के लिए वक्त मिलता है। आगे चारों सड़क नाम
सिंह पद सूझा प्रेम का महल दिखाना सतगुर का दर्शन तब पाया मिल गया ठौर ठिकाना। सतगुरु का दर्शन क्या है दीवानों? लोग कहते हैं आगे सतगुरु खुलता है, बाबा साहब ने रूटा जी वाला फकीर चंद। अरे दीवानों, वो सतगुरु का रूप नहीं है, वो तो तुम्हारा त्रिकुटी का स्थान है। सतगुरु है तुम्हारा अपना ही रूप, तुम्हारा अपना ही अंतर श्रुति आत्मा। सुरत शब्द दो अनुभव रूपा, तू तो पड़ा भ्रम की फूका। मर गई सारी दुनिया सुर शब्द में, सुर शब्द सुर शब्द सुर शब्द। किसी को क्या कहूं मैं, हम मर गया। मेरी तुम आंखें सिर्फ इस एक ख्याल में मेरी जिंदगी को बदल दिया कि मैं तुम्हारे अंदर नहीं जाता। बस पहला शख्स मैं हूं इस भारतवर्ष में नहीं तमाम दुनिया में, जिसने सच्चाई को डंके की चोट पर कहा है। कहा तो सब नहीं आता मगर पर्दे में रखा। उस वक्त और जमाना था, अब और जमाना है। मैंने इस रात को क्यों खोला? एक पत्थर उठाओ दस गुरु निकलते हैं और जो भी नहीं उठता है वो हमको अपनी जाने बताता। हर महीने आते रहो, प्रसव देते रहो, हर महीने आते रहो, प्रसव देते रहो। बस हम लोगों को महात्माओं ने अपना बाग भंडारी का जानवर बनाया हुआ है, अपनी इज्जत के हासिल करने का के लिए हमको इस्तेमाल किया, अपनी दर्द को हासिल करने के लिए हमको इस्तेमाल किया। सच्ची बात किसी ने बताई और बताया भी अगर कोई सच का ग्राहक नहीं है। मेरे पास कितने आदमी आते हैं जिनके पुत्र नहीं, किसी का बेटा नहीं, किसी का भाई नहीं, किसी की मुकदमा है, किसी को कुछ है, किसी को। मैं तो बेवकूफ हूं किसी ने रात गुजार कर दिया। आगे के अंतर चार सर कहे प्रेमी पंथे जाने बिन देखे परतीत न आवे कैसे कोई माने। राधा स्वामी नया साध की संगत हम धुर पर चले आए। अगर मैं ये कहूँ दाता दयाल की दया और आप लोगों की संगत हमने ये भेद है पाया, भेद पाए हम मगन भये हैं अपने घर आप में आप सुनाया। आप लोगों की दया है, जो एहसान दाता दयाल मुझ पर न कर सके वो आप लोगों ने मुझ पर किया। सिर्फ इस एक ख्याल से कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता, मेरी जिंदगी का सफर कर गया। मुझे अगर अपनी मान अपनी दौलत अपनी इज्जत की जरूरत होती तो मैं बात तो पर्दे में रखता, आप लोगों को लूट के नहीं जाता। अब मुझे कौन देता बता? आज जगह नोटों की बोरियां भरी जाती हैं मगर मैं इसकी परवाह नहीं करता। क्यों? मैंने ये देख लिया कि जो कुछ मुझको मिलना है मेरे कर्म का फल है, जो मैंने दिया हुआ मुझको मिलेगा। संत कृपा सिंह मेरे पास देहरादून में गए, टाई करते हम बात करते रहे। मैंने कहा संत कृपा सिंह ये आप गद्दी पर बैठे हुए हैं, बाबा चरण सिंह है मैं हूं, ये हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के फल हैं। अगर इस जन्मों के कर्मों का फल हो तो हमको ये ऊंची जगह कभी ना मिलती, क्योंकि हम सब 420 करते हैं। मैंने आपको बात बताई, यहां के एक आदमी आने का मेरी याद बुझाई, ये संत तारागण बैठा है, एक औरत इसके पास आई, मंजा रखा जाकर मत आजेगा क्या थे हमारी बाबा को मेरी याद बुझाई है, तू बाकी फिर जा रहे हैं।
ये मेरे पास आया इसने मुझे कहा। मैं क्या तू गया था? कहने नहीं। मैं क्या, अरे दुनिया के महात्माओं, कब तक तुम दुनिया हम गरीबों हम व्यक्तियों को कब तक झटते रहोगे? कब तक हम तुम हमको धोखा देते रहोगे? मैं धोखे की चट्टी को दूर करने के लिए संसार में अनामी धाम से आया हूं और तार लेकर कि अपने जैसे दीवानों को बता दूं कि तुम कहां फिर रहे हो। तुम कहां फिर रहे हो? तुम कहोगे तुमने गुरु मत कर सत्या ना। अरे गुरु वो है जो इंसान को वहां पहुंचा दे जहां गुरु नहीं और चेला नहीं। गुरु वो है जो इंसान को वहां पहुंचा दे जहां स्वामी नहीं सेवक नहीं। वो हमारी आर्थ है, वो हमारा मंत्र है, मगर तुमको तो वहां जाने की जरूरत नहीं। इस बात को मैंने तालीम को बदल दिया। परमार्थ नहीं बताता, ताले इंसान बनो, जियो और जीने दो, एक दूसरे के काम आओ, दुखियों की मदद करो, घर में शांति रखो, प्रेम का व्यवहार करो। जब तुम्हारा वक्त आया दुनिया से उदासी हो जाए फिर इस पर आओ। बस ये है सोचा। क्या वक्त हो गया? मैंने बहुत टाइम दे दिया। पंद्रह मिनट मैं देखा हूं, मगर मेरे फिर कहेगा क्या उसका नाम है प्रिंसिपल, तू अपने आप को कोसता? मैं कोसू ना, बकता नहीं तो क्या करते? मेरी वो हालत है अंधे के आगे नाचना, बीन के आगे डांस के आगे बीन बजाना। मैं जानता हूं उस बात को, मगर मेरा कोई कसूर नहीं। गाकर ने कहा कब की थोड़ा छोड़ने के पहले तालीम बदल जाना, क्योंकि गुरु को आज्ञा थी, मैंने उनके हुक्म की पालना की। उन्होंने मुझे ये नहीं कहा तुम्हें क्या कहना है, उन्होंने बस यही कहा देती में आम सत्संग जितना सत्संग हो रहा है, क्योंकि जमाना बदल जाएगा, मजब मिलत खत्म हो जाएंगे, मेरे कर्जे बयान के भी लोग पसंद नहीं करेंगे। चोरा छोड़ने से पहले तालीम बदल जाएगा। मैंने जो अनुभव किया वो कहा, हो सकता है मेरा जो अनुभव हो जाए, हो सकता है मेरा जो भी मैंने समझा हो ये सारे का सारा हर्ष हो, मुझे कोई दावा नहीं। मैं कहता हूं ये मौजूदा महात्मा मौजूदा गुरु अपने अंतरों में दाखिल हूं, सोचें कि जो मैं कहता हूं ठीक है, अगर ठीक है तो अपनी जिंदगी पहले बनाए, लोगों का आधार तो पीछे रखेंगे, लोगों का आधार जो पीछे से होगा, पहले अपने आधार करो, अपनी कांक्षित दुनिया को साफ करो। देखो एक मैं बात कहता हूं, इंसानी जिंदगी एक रेडियो स्टेशन है जो जैसे की संगत करता है वैसा। मैं निर्बंध पुरुष जीत रहा पुरुष जो अभी तक 100% हुआ नहीं, मुझ में अभी 5-10% कमी है, मैं अपनी कमी को महसूस करता हूं, मगर फिर भी अगर ऐसे पुरुष की संगत की जाए तो क्या होगा? उसकी रेडिएशन तुम पर असर करेगी। एक, अगर तुम्हारा गुरु ऐसा नहीं भी है फर्ज करो, मगर तुमने उसको पूर्ण माना हुआ है और सत्संग से तुम्हारी बात समझ में आई हुई है, तुम्हारा काम फिर भी हो जाएगा, गुरु तुम्हारा बेशक घिरा रहे। तुम करदा हो गुरु शायद न करे। क्या कह रहा हूं मैं? मैं क्या कह रहा हूं? गुरु अगर नामुकम्मल भी है,
उसमें ऐप भी है, अगर तुम्हारा विश्वास उस पर पूरा है तुम कर जाओगे, तुम कहोगे इसका सबूत सबूत देता है। एक और एक लड़का उसको मार से मिलता, क्या उसकी नजर में यह ख्याल आता है कि मेरी मां के मेरे बाप के साथ क्या पहले कहा थे या उसने क्या कुछ जिंदगी में किया? नहीं, वो मां को अपना इष्ट मानता है। जब मां के पास जाता है उसकी नजर में मां के कोई अब नजर नहीं आते, नहीं ना आते। उसके मन को विचलता मिलती है, उसके मन को शांति मिलती है। मां खाए 10 नंबर की बीमार भी पूरा उसी आव को दूसरा आदमी पाई समझता है, उसके जज्बात और होंगे, उसी आवत को उसका खावन देखता है उसके जज्बात और होंगे, उसी आवत को उसका यार देखता है उसके जज्बात और होंगे। कि जो कुछ है क्या है तुम्हारा, अगर तुम सच्चे हो, तुम्हारा हृदय शुद्ध है, तुम प्रेमी हो, तुम निष्कपट हो, गुरु तुम्हारा कुछ भी हो तुम कर जाओगे। इस वास्ते गुरु इष्ट है, गुरु एक आइडियल है, जिस तरह मां एक आइडियल है। लड़का मां में अब नहीं देखता, जिस तरह जो शख्स गुरु में अब नहीं देखते वही इंसान है। हम क्या करते हैं? पचुंजा हजार रुपये करते हैं। यह है तालीम जो मैं देना चाहता हूं आप लोगों को। मैं नहीं कहता तुम मुझे गुरु मानो, बिल्कुल झूठी। तुम जहां लगे